आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। एक सवाल है आप लोगों के लिए, उसका जवाब कमेंट में लिखिएगा। उसी टॉपिक पे, उसी पे वीडियो भी मैं बना रहा हूँ। और वो सवाल क्या है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। देखिए सिंपल सा सवाल है, बहुत ही कोई इसमें हवाई जहाज या रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है। सिंपल सा सवाल है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। ठीक है, उसका आंसर आप लोग लिखिएगा, लेकिन उसी पर थोड़ा सा मैं अपना विचार व्यक्त करता हूँ। सबके अपने अपने कारण है। अभी मैं एक रियल इंसिडेंट से बता रहा हूँ, रियल घटना से, रियल वाक्य बोल सकते हैं। मेरी वाइफ टीचर है, ठीक है, तो उनका एक कहीं अभी ट्रेनिंग हो रहा था, पटना वगैरह में ट्रेनिंग हो रहा था। तो वहाँ बहुत सारे टीचर वगैरह आए हुए थे बिहार के अलग अलग जगह से। भागलपुर मेरा शहर है, तो वहाँ के बहुत सारे टीचर भी गए हुए थे। तो भाई जब टीचर लोग गए हुए, तो ट्रेनिंग एक सप्ताह का था। तो ट्रेनिंग के बाद माने रूम में लोग अपने अपने जाते, तो एक रूम में 3 मेंबर को अलाउ सरकार ने किया कि एक रूम में 3 मेंबर रहेंगे। तो इस तरह से तीन तीन को दिया गया। तो जो दो अदर महिला टीचर थी, तो जाहिर सी बात एक रूम में रहेंगे तो बातचीत तो होनी है। तो बातचीत ऐसे हुआ कि कौन क्या करता है, किसके हस्बैंड क्या करते हैं। तो इन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड स्टॉक ट्रेडर हैं, तो शेयर मार्केट में। तो उसमें से एक महिला टीचर ने कहा कि क्या आपके पति यानी कि मैं उनके पैसे को डबल कर सकता हूँ, डबल कर दूंगा, है ना। तो मेरी वाइफ ने सीधा कहा नहीं, वो डबल करने वाला काम नहीं करते, वो सिर्फ वेल्थ बनाने का काम करते हैं। ठीक है, डबल करने का काम वो नहीं करते, डबल नहीं होगा। तो उनका थिंकिंग अब सुनिए सामने वाले, उन्होंने कहा क्यों, स्टॉक मार्केट में तो यही होता है। एक शिक्षक बोल रही है एक दूसरे शिक्षक से, स्टॉक मार्केट में तो यही होता है, खाली डबल होता है पैसा, पैसा डबल का डबल, डबल का डबल होते जाता है, यही तो होता है। तो वो डबल कहेंगे, कह रही कि नहीं ये वो डबल नहीं करेंगे और वो वेल्थ बना देंगे। पर अगले टीचर को समझ नहीं आ रहा, कह रहे डबल होता है कैसे, आप कहते हैं कि डबल नहीं करेंगे। तो मैं फिर हमको फ़ोन आया कि भाई ऐसी ऐसी बात, मैंने कहा ठीक है डबल भी कर दूंगा, कोई बात नहीं है, कंडीशन एक ही है कि अगर डबल के बाद जितना पैसा बचेगा वो मेरा, उनके डबल होने के बाद जितना पैसा एक्स्ट्रा बच जाएगा वो मेरा। तब तो नहीं 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 ऐसे कैसे, ठीक है। तो देखिए एक एक नॉर्मल थिंकिंग, एक पढ़े लिखे व्यक्तियों की भी थिंकिंग, शिक्षक समुदाय का भी एक थिंकिंग क्या है कि स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ डबल ही डबल होता है, एकदम छाप दिया जाता है ना। तो ये थिंकिंग हो जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समस्या है। तो आप इन्वेस्ट क्यों करते हैं, इसका जवाब लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। इन्वेस्टमेंट का मेन फंडा होता है कि जो इन्फ्लेशन होता है ना, मतलब मुद्रास्फीति का दर कह लीजिए, या आने वाले समय में जो महंगाई बढ़ेगा, उस महंगाई में अपना और अपना फैमिली का मतलब जो खर्चा करते हैं पैसा को, उसको बीट करना है। मैंने वो तो महंगाई को रोक, बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रेपो चलेगा ही चलेगा, लेकिन आपका जो इनकम है उसमें उस सर्वाइव नहीं हो पाएगा, है ना। महंगाई बढ़ जाएगी, आपका इनकम वही रह जाएगा। तो जब इनकम में, और मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, तो जो बढ़ेगा 5% 2% इस तरह से बढ़ता है पैसा, इंक्रीमेंट होता है मान लेते हैं, और किसी का नहीं भी बढ़ता है, कुछ तो ऐसे ही पूरे जीवन में रहता है। जैसे 10,000 का जॉब कर रहे हैं, तो 2 साल काम करने के बाद मालिक बोला चलो 1,000 तुम्हारा बढ़ा दिए थे, है ना, तो 11,000 हो गया। फिर 2 साल 3 साल बाद मालिक बोलेगा चलो तुमने 1,500 बढ़ा दीजिए, ऐसे करके होता है ना एक नॉर्मल जॉब में। लेकिन इन्फ्लेशन उस हिसाब से तो बढ़ता नहीं है, 6-7% ढक नहीं बढ़ जाता है। और इन्फ्लेशन अगर वो बढ़ जाएगा तो आपका इनकम उसे सर्वाइव नहीं पाएगा। अब जो सामान आप 100 रुपये में 1 किलो खरीद रहे थे, अब वो 100 रुपये में कुछ सालों के बाद आपको आधा किलो मिलेगा, इनकम आपका वही, सामान कम हो गया, वैल्यू कम हो गया, यानी रेट उसका बढ़ गया, आधे किलो ले पाएंगे, तो कैसे होगा वो, कैसे होगा। तो वो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एक्चुअली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक फंडा हमेशा अपने दिमाग में होना चाहिए। और आप देखते होंगे साल में, एक कॉमन भी छोड़ दें, कुछ भी कोविड जैसे भयावह स्थिति में भी आप देखेंगे तो एक फॉल के बाद मार्केट ने जो रिकवर किया तो 25 से 30% का रिटर्न साल में दे के चला गया, 50% भी हो गया कभी कभी, है ना। लेकिन अगर ये सब चीज़ को छोड़ दें, एक्सेप्शनल चीज़ों को, अपवाद को, बीच बीच वाला झटका को, तो भी साल में 10 से 12% दे देता है मार्केट, है ना। कितनों खराब से खराब स्थिति रहता है तो लगभग 10 से 12% देता है, कभी कभी 6-7% देता है, वो रेयर में होता है, लेकिन 10 से 12% लगभग साल का मिल जाता है। तो इन्फ्लेशन से कहीं गुना ज़्यादा वो देता है ना। इसलिए स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का फंडा होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमारा इनकम
हमारे आने वाले इन्फ्लेशन को बीट कर सके, यानी उसको फर्क ना पड़े। 100 रुपये में अगर हम 1 किलो चीनी या कुछ भी खरीद रहे हैं मान लेते हैं, और आने वाले समय में वो अगर 100 रुपये में आधा किलो मिलेगा, तो हम 200 रुपये में 1 किलो ले पाएंगे, तो वो 200 रुपये मुझे देने में फर्क ना पड़े, वो 200 रुपये मुझे निकालने में दिक्कत ना हो, मैं आराम से निकाल पाऊँ, आराम से मैं दे पाऊँ। वो तभी कर पाएंगे जब आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा इनकम बनाएंगे, है ना, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, डबल ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। और स्टॉक मार्केट ये काम बहुत बेहतर तरीके से कर लेता है। जैसे कि बहुत आपने देखा कितने वीडियो में कि भाई मेरे दादाजी ने इतना शेयर MRF के रख के गए थे, उसका वैल्यू अभी 14 करोड़ या 140 करोड़ समथिंग का, ऐसा करके कई वीडियो वायरल हुआ था। अब सोचिए कि 2000 के MRF शेयर का वैल्यू 14 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ हो जाता है इतने साल में, 30 साल में, 40 साल में, तो उतना तो नहीं हो पाएगा, 2000 का 14 करोड़ कौन देगा। इसी तरह कहा जाता है कि अगर रॉयल इनफील्ड का अगर 60,000 का बुलेट लेने के बदला अगर 60,000 के उसके शेयर खरीदे रहते तो भी आप 4 करोड़ 5 करोड़ के मालिक हो जाते, और वैल्यू रॉयल इनफील्ड का बाइक का कम हो गया, आपके शेयर का वैल्यू बढ़ गया। इसी तरह से भी बहुत सारे स्टॉक्स, जैसे कि मैंने भी बताया जेनटेक 100 रुपये का था, वो 800 900 1000 हो गया। तो कहने का मतलब HBL पावर 45 से 450 चला गया, SDBL 35 से 350 हो गया, RVNL 18 रुपये से चला गया 300 रुपये का। तो कहने का मतलब आपका इन्फ्लेशन से तो बेहतर रिटर्न दे रहा है ना, आपका इन्फ्लेशन के मुकाबले आपका जो शेयर का भाव बढ़ रहा है, लेकिन ये कब बढ़ रहा है, इंट्राडे में नहीं, ये आप इन्वेस्टमेंट में इन्फ्लेशन को बीट करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप इंट्राडे, तो मेरा भी मानना है कि इंट्राडे करना है, मैं भी करता हूँ, वो पॉकेट खर्च के लिए। वेल्थ अगर बनाना है आपको तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, और इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छे क्वालिटी वाले शेयर सब में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज भी देखिए मुझे मैसेज एक आया कि सर GMR इंफ्रा और IRB इंफ्रा में कौन सा स्टॉक बढ़िया है, किसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, है ना। तो लोग ढूंढते हैं कि भाई ऐसा सब चीज़ें मुझे मिले, कोई बताए, और यहाँ पर मैं बताने की वो कोशिश करता हूँ अपने मोटा चदरा से जितना सब मुझे मेरी समझ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वो शेयर खरीदें मेरे कहने पर, ऐसा नहीं, आप अपनी भी रिसर्च करें, अपना देखें सब कुछ, अपना किसी जानकार से सलाह लीजिए, है ना, जो इस फील्ड में आपकी नज़र में महारत हासिल रखते हो, आप अपनी भी एनालिसिस करिए, और आपको अगर वो सूट करे तब लीजिए। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि इन्वेस्टमेंट से ही वेल्थ बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट से वेल्थ बनेगा, बशर्ते आप उसको देखना छोड़ दें रोज रोज। जैसे कि ये मैंने एक अंगूठी है, मान लीजिए ये गोल्डन की एक अंगूठी है, गोल्ड की, अब इसका रेट मैं रोज थोड़ी इसको देखता रहता हूँ कि रेट तुम्हारा गिरा कि बढ़ा, नहीं ना। लेकिन क्या होता है कि अगर आपने पोर्टफोलियो बना लिया है, 5 शेयर या 10 शेयर भी खरीद लिया, तो बार बार अपने मोबाइल को ऐसे उठाएंगे और रोज ऐसे रिफ्रेश करके देखेंगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। नहीं, अगर आप ये करेंगे तो फिर आपके वेल्थ नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा पैनिक सिचुएशन आएगा, आप वो बेच देंगे पैनिक में जाके, और यहीं पर गलती, इंडिया यहीं पर मात खा जाता है, भारत इसीलिए गुलाम हो जाता है, यहाँ पर यही दिक्कत हो जाती है। तो मेरा तो यही मानना है कि इन्फ्लेशन को बीट करें, हमारे खर्च पे कोई दिक्कत ना हो, हम अपनी सारी जरूरत पूरी कर सके, इन्वेस्टमेंट उस हिसाब उसके लिए करना चाहिए, वेल्थ बनाने के लिए करना चाहिए। आप किस लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट का मोटो क्या है, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको एक मोटा मोटी मैंने एक कॉमन पीपल का बताने का कोशिश किया कि क्या सोच है स्टॉक मार्केट में, डायरेक्ट पैसा डबल। तो ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं संसार में, चलिए सबकी सोच है, है ना, सोच है तो शौचालय होगा, कोई बात नहीं, तो चलता रहेगा। चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।